वेरी भाई पी टू बी मर्चेंट थे, उनको मैंने बहुत ही पोलाइटली से बोला था लास्ट वीडियो में कि आपके पास 3 दिन का टाइम है, 3 दिन में जो ये रेट का डिफरेंस है ना उसको बैक टू नॉर्मल कर दो। लेकिन वो लोग यहाँ पे सुनने वाले थोड़ी है, अभी भी उन्होंने ये जो रेट का डिफरेंस है वो 5-5 रुपये के समथिंग रख रखा है, कम ही नहीं कर रहे हैं भाई, उनको तो कुछ लग ही नहीं रहा है। इवन कमेंटों में कुछ लोग तो आके ऐसे और बोल रहे थे उखाड़ ले तेरे को जो उखाड़ना है कर ले, जो करना है तू कौन होता है। तो आज मैं उनको बताता हूँ कि उखाड़ते कैसे हैं, क्या होता है अगर आदमी को अगर हम प्यार से बोलते हैं ना तो उसको समझ में नहीं आती है, लेकिन यहाँ स्ट्रिक्टली चलते हैं तब उसके अपने आप अकल में आ जाती है कि हाँ यार क्या करना है कैसे किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन दूंगा कि आपको सस्ते रेट पे कैसे बाय करना है पी टू पी ट्रेडिंग में, और लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि आपके मिथ दूर हो जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस चीज की। मैं आपको बाइनेंस के पी टू पी पोर्टल पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ इनकी रेट देखो बाय करने की 90, और अगर छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होंगे तो 92 के अराउंड भी देखो, और नीचे देख लो 92.50, इतनी हेवी रेट। और सेल में देखो, इनमें सेल में तो तालमेल बैठ रहा ही नहीं है, इनकी फट रही है सेल में सही रेट देने में। देखो यहाँ ऊपर ऊपर जो पहला एड है वो 87.60 का है, उसके नीचे देख लो 87.23 है, मतलब 87 के अराउंड ही है। बाइक कितने में करा रहे हैं, सेल कितने में करा रहे हैं, आप खुद देख लो कितना डिफरेंस है। अब इसका मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको जो पी टू पी ट्रेडिंग के सॉल्यूशन के वीडियो में बताया था कि अगर आपके बैंक से पैसा किसी और के बैंक में जाएगा तो यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट फ्रीज होने की दिक्कत कभी नहीं आएगी। और ये आप गांठ मार के रख लीजिए कि आप यहाँ पे देखो ये जो फिल्टर के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे ओनली फॉर मर्चेंट का जो ऑप्शन है उसको अनटिक करके अनफिल्टर कर देंगे, या फिर आपके पास ऑलरेडी पहले होगा ऐसा, और अनफिल्टर करते हैं आपके सामने देखो बहुत अच्छे रेट आ रहे हैं 89.45, जो वेरीफाई पी टू पी मर्चेंट देने लग रहे हैं उनसे तो बढ़िया ही है, वो 92 के अराउंड आपको देने लग रहे हैं और ये आपको 89 के अराउंड देने लग रहे हैं। अभी तो इनकी रेट बढ़ गई है क्योंकि बिटकॉइन पंप हो गया है, अगर जैसे बिटकॉइन थोड़ा कंसोलिडेट होगा रुक जाएगा तो इनकी रेट भी आपको थोड़ी बहुत नीचे देखने मिल सकती है। लेकिन बात सिंपल सी ये है, ये लोग जो आपको रेट देने लग रहे हैं ना वेरीफाई पी टू पी मर्चेंट से बहुत ही अच्छी रेट दे रहे हैं और आगे भी बढ़िया रेट देंगे। और ये जो क्या है वेरीफाई मर्चेंट करने लग रहे हैं, इनके भाव बढ़ रहे हैं, और आप ये मत सोचना कि इनसे अगर आप डील करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके बैंक अकाउंट से पैसा किसी सामने वाले के बैंक अकाउंट में जाएगा तो कभी भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। बस केयरफुल कहां पे रहने की जरूरत है, जब आप यहां पे सेल वाले सेक्शन में आएंगे तो इनमें से किसी को भी आप सेल मत करना, और कहां पे सेल करना है मैं आपको इस वीडियो के एंड बताऊंगा, जरूर से सुन के जाना तभी आपको समझ में आएगा और आप केयरफुल रह पाएंगे। और ये जो वेरीफाई पी टू पी मर्चेंट है सही रेट नहीं देने लग रहे हैं तो उसका भी सॉल्यूशन है, कहां पे आपको सेल करना है, कौन से ट्रस्टेड मर्चेंट है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं, यहां बाय वाले सेक्शन में चलते हैं, किसी को भी रेंडमली चूज कर लेता हूं, किसी को भी, अगर उसने एक ट्रेड भी कर रखे ना तो उसको भी चूज कर सकता हूं। यहां पे आप देख लो यहां 33 ट्रेड है ऊपर ऊपर, इसको भी ले सकता हूं, लेकिन यहां पे एक बार मैं डेमो ट्रांजेक्शन करके दिखाता हूं, फिल्टर में जाता हूं और यहां पे 1000 रुपए लिख देता हूं, मैं 1000 रुपए का ट्रांजेक्शन करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, कंफर्म कर देते हैं, और यहां पे मेरे पास 89.90 की सबसे कम रेट वाला ऊपर ये आ रहा है वहीद का, और ये यूपीआई ले रहे हैं तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये देखो यहाँ पे ट्रेड भी इन्होंने 50 ही कर रखी है, तो देखना है मैं इनसे ट्रांजेक्शन करूंगा और मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज होने की कोई टेंशन नहीं आएगी। मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको 10-20 ट्रांजेक्शन करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा किसी भी सामने वाले पर्सन के अकाउंट में जाएगा तो आपका बैंक अकाउंट कभी फ्रीज नहीं होगा। फ्रीज कब होता है, जब आपका थर्ड पार्टी से कोई अननोन जगह से पैसा आता है जो आपकी रिपोर्ट कर देता है, या स्कैमर किसी और से पैसा डला देता है जिसके साथ स्कैम हुआ है बेचारे के साथ, वो रिपोर्ट कर देता है, तब आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। तो यहाँ पे बाई करने में तो टेंशन नहीं है, इतना समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे देखो इस पर क्लिक करता हूँ और ये इनकी रेट में मैं आप बाई करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ 1000 रुपए और बाई यूएसडी करते हैं। मैं एक बार ये ट्रांजेक्शन फटाफट से पूरा कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा बैंक का भी दिखा देता हूँ, फोन पे मैं खोल रखा हूँ और यहाँ पे वाई दी है और ये मैंने 1000 रुपए डाल रखा है। अगर आप में से किसी को ये लगे ये तो फेक ट्रांजेक्शन था, आपने दिखाया नहीं, तो देख लो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है। यहाँ पे आप मेरे फोन पे का भी स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, यहाँ 1000 रुपए मैंने भेज दिया है वाइद को। अब मैं बाइनेंस पे जाता हूँ, बाइनेंस में जाके ट्रांसफर नोटिफाइड सेलर पे क्लिक कर देते हैं और ये मेरे डॉलर मेरे को भेज देंगे, और ये जब तक मेरे डॉलर रिलीज करते हैं तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप बाई किसी से भी कर सकते हैं, किसी से भी, अगर किसी ने एक ट्रेड भी कर रखा ना तो उससे भी बाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो वेरीफाई पी टू पी मर्चेंट है ना, इनकी हवा टाइट हो जाएगी, ये लोग अपने आप 3 बार अपनी रेट कम करने लग जाएंगे जब ये वीडियो देखेंगे, और नहीं करेंगे तो आपको इनसे डील नहीं करना है। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, आपको उनसे बाई नहीं करना है, बाई आप किसी से भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान कहाँ रखना है, जब आप जैसे मालूम है यहाँ पे डॉलर बाई कर लिया, अब इसको सेल करने जाऊंगा ना, तो सेल करते टाइम आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो ट्रस्टेड मर्चेंट है उसी को ही सेल करना है, ऐसे नहीं किसी को भी। अगर यहाँ पे जो वेरीफाई पी टू पी मर्चेंट है वो सही रेट देने लग रहे होते हैं तो सही बात है, नहीं देंगे
तो आप क्या करना, मेरे टेलीग्राम पे आना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पे आने के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरा हैंडल मिलेगा आपको, वहां पे उस पर क्लिक करना और मेरे को बस सिंपल सा मैसेज डाल देना, अनुराग भाई मेरे को सेल करना है, मैं आपको फटाफट से जितने बढ़िया मर्चेंट हो गए ना उनसे कनेक्ट करा दूंगा और वो आपको बढ़िया रेट देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने मेरे डॉलर रिलीज कर दिए हैं। एक बार मैं आपको बैग जाके स्ट्रीम में दिखा भी देता हूँ कि ये वही है जिनसे मैंने डील करा था। यहाँ बैग करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका नाम लिखा हुआ है वाहिद, सेलर निकनेम जिनसे मैंने शुरुआत में डील करा था। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि आप किसी से बाय कर सकते हैं। ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाया हूँ ताकि आपके जो मिथ है ना बैंक अकाउंट फ्रीज होने का वो हट जाए। यहाँ पे आप बैंक आके देखो और यहाँ जितने भी रेट आ रहे हैं इनसे आप किसी से भी बाय कर सकते हैं। बस यहाँ ध्यान में रखना जो सेल पे है ना, सेल पे अभी तो देखो ये बढ़िया रेट है, इक्वल रेट है ना, तो यहाँ पे 10 20 30 पैसे का अंतर आ रहा है। लेकिन जैसे इस फिल्टर में जाएंगे सेल करते टाइम और कंफर्म करेंगे तो यहाँ जो वेरीफाई मर्चेंट आ रहे हैं जितने भी, इनकी रेट देखो आप 88 87 इतना डिफरेंस करके रखे हुए हैं। यहाँ इनका बाई का रेट तो देखो 91 92 के अराउंड बाई करा रहे हैं। तो इनका जो ये डिफरेंस है ना, अब इस वीडियो के बाद अपने आप कम हो जाएगा, आपको मैं सिंपली बता दिया हूँ। इस चीज़ का ध्यान में रखना, सेल करते टाइम थोड़ा केयरफुल रहना। अगर जैसे मान लो आप सेल करते टाइम आओ तो फिल्टर लगा लेना वेरीफाई मर्चेंट का और यहाँ सेल वाले सेक्शन में देखना कि सही रेट देने लग रहे हैं कि नहीं। अगर ज़्यादा डिफरेंस ना हो तो ठीक ठाक डिफरेंस हो तो इनको सेल कर देना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे जो मेरा हैंडल है उस पर एक सिंपल मैसेज डाल देना कि अनुराग भाई मेरे को सेल करना है, मेरे को जो भी ट्रस्टेड मर्चेंट है उसे कनेक्ट करा दो, मैं आपको वहाँ पे कनेक्ट करा दूंगा और वो आपको इनसे बेस्ट रेट देंगे। और मैंने उनको पर्सनली वेरीफाई करके रखा हुआ है, उनके जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक नेम, एड्रेस, सारी चीज़ें जो यहाँ पे बाइनेंस खुद वेरीफाई करता है वो सब चीज़ मैं उनसे यहाँ पे वेरीफाई करके रखा हूँ। तो इसका ये परमानेंट सॉल्यूशन हो गया। अब इनका जो ये वेरीफाई मर्चेंट है जो ज़्यादा ही अपने आपको डेढ़ चार समझ रहे थे, ये सोच रहे थे उखाड़ ले जो उखाड़ना है तेरे को, कर ले जो करना है, हम तो ऐसा ही करेंगे, वो अपने आप ही लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मिथ दूर हो गए, बाई किसी से भी कर लेना, बस सेल करते टाइम ध्यान में रखना। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर इस वीडियो में आपको जरा सा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।